आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करने वाले हैं वो है ISO, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो आइए सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। ISO का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ISO के वर्तमान अध्यक्ष एडी नोजो रोगे हैं, जो केन्या से हैं। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। यह दुनिया के अग्रणी मानकीकरणकर्ताओं का वैश्विक नेटवर्क है। आइए अब एक नजर इसके उद्देश्यों और कार्यों पर डालते हैं। उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं दक्षता सुनिश्चित करने हेतु मानक विकसित करना, ऊर्जा प्रबंधन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मानकों का निर्धारण करना, मानकों और मानकीकरण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और प्रचार में सहयोग करना, मानकों से संबंधित समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, मानकों से संबंधित अनुसंधान एवं सदस्यों को प्रशिक्षण देना। इसके अलावा इसके अन्य कार्य हैं सतत विकास लक्ष्यों में योगदान, विश्व व्यापार संगठन की मानक प्रक्रियाओं में सहयोग, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि अंगों जैसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद आदि के साथ साझेदारी करना। अब एक नजर इसकी संगठनात्मक संरचना पर डालते हैं। जनरल असेंबली यानी ISO की सुप्रीम अथॉरिटी। यह एक वार्षिक बैठक है। ISO परिषद यानी कोर गवर्नेंस निकाय जनरल असेंबली को रिपोर्ट देती है और वर्ष में 3 बार इसकी बैठक होती है। तकनीकी कार्य का प्रबंधन तकनीकी प्रबंधन बोर्ड यानी TMB द्वारा किया जाता है, जो परिषद को रिपोर्ट करता है। अब एक नजर इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ISO के कुछ प्रमुख मानक इस प्रकार है। ISO/IEC 27001 सूचना और डाटा से संबंधित, ISO 3166 किसी देश के नाम से संबंधित, और ISO 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित। ISO प्रमाणन किसी प्रबंधन प्रणाली, निर्माण प्रक्रिया, सेवा, उद्योग आदि में मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन के सभी मानदंडों की पूर्ति को दर्शाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये था आज का सेशन। अगले सेशन में फिर किसी नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।